की नियुक्ति के मामले पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अब फैसला सुरक्षित। जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस गोवर्धन बारधार की खंडपीठ ने चार दिन तक चली मैराथन सुनवाई के बाद ये आदेश दिए हैं। फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही खंडपीठ ने सभी पक्षों को किसी भी बिंदु पर लिखित बहस पेश करने के लिए 23 जनवरी तक का समय दिया है। हम सभी हिंदी मीडियम में हमने कहा कि इसमें ऐसा लिखा है, उनमें डिफरेंस है, रिफ्लेशन दमन दबाव में वो अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने अलग तरीके से बताया, हमने हमारा पक्ष रखा, अभी फैसला सुरक्षित रखा गया। और इसमें यही है कि सर यदि न्यायिक फैसला दिया जाएगा तो हमारे हमको आस लगता है कि हमारे पक्ष में ही आएगा। चार दिन तक लगातार 26,000 बेरोजगारों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार ने भी मजबूत पैरवी की और ऐसा लग रहा है कि 26,000 बेरोजगार जो 8 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं बहुत जल्द उनकी नियुक्ति के दरवाजे खुलेंगे, उनको खुशियां मिलेंगी क्योंकि लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, पिछली सरकार में संघर्ष